खरगोन जिले के बारुल में गेहूं के खेत में भीषण आग लग जाने से करीब 7.5 एकड़ में लगी लाखों रुपए की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बारुल में किसान अनिल लछेटा के खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। किसान गेहूं निकालने की तैयारी में थे। खेत में गेहूं काटने के लिए थ्रेशर मशीन पहुंच गई थी, लेकिन फसल जलने से किसान की मेहनत पर पानी फैल गया। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट से किसान के खेत में आग लग गई। दू दूकर मिनटों में खेत में खड़ी और पकी गेहूं की फसल पूरी तरह से फैल गई। फायर के पहुंचने के पहले ही गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। किसान के खुद के खाने के लिए भी गेहूं नहीं बच पाया। कर्ज लेकर कड़ी मेहनत कर लाखों रुपए गेहूं का उत्पादन करने की तैयारी से पहले आग ने किसान के सामने संकट खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।